Hello guys, welcome back to another video. So in this video we will see how to remove KineMaster watermark. Okay, KineMaster का watermark हम लोग कैसे remove कर सकते हैं, वो भी without taking premium और without downloading any mod apk. Okay, खैर आप ये देखो, आप जो ये अभी वीडियो देख रहे हो ना, इसमें देख लो इसे KineMaster से एडिट किया गया है और इस पे देख लो एक भी watermark नहीं है. So guys, वैसे आप ये बेहद आसानी से हटा सकते हो, ठीक है ना. KineMaster का watermark बेहद आसानी से हटा सकते हो, पर जो तरीका है वो एकदम एफिशियंट तो नहीं है पर 100% काम करता है. ओके, तो सिंपली जाओ पहले प्ले स्टोर से KineMaster डाउनलोड कर दो, फिर देखते हैं कैसे करते हैं. तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो हमने डाउनलोड करके KineMaster ओपन कर लिया है और ये देखो सब्सक्राइब नाउ का प्रीमियम लेने का ऑप्शन आ रहा है और जिससे पता चलता है कि हम लोग का प्रीमियम नहीं है, ठीक है. तो सिंपली हम करेंगे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है, नेक्स्ट करो आप. उसके बाद आपको मेन करना क्या, ठीक है, यहाँ समझने की चीज़ है. आप सिंपली बैकग्राउंड में पहले एक इमेज एसेट ले लो, ठीक है. कोई भी अगर आप बैकग्राउंड रिमूव कर रहे हो ग्रीन स्क्रीन तो अपने हिसाब से पहले एडिट कर लो, ठीक है ना. हमें करना क्या है, एक इमेज एसेट लेना है बैकग्राउंड में. इमेज एसेट ले लिया हमने. उसके बाद हमें नेक्स्ट जो अपना मेन वीडियो है उसे ऐड करना है लेयर में. लेयर में जाके आपको करना है मीडिया ऐड और आप अपना वो वीडियो ऐड करो. ओके, ये वीडियो मैंने ऐड किया. यहाँ पे देखो मैं आपको दिखाने के लिए इसे छोटा सा करता हूँ, आप अपना एडिट कर लेना है. अगर पता नहीं एडिट कैसे करते हैं KineMaster में तो आप बोलना, मैं ट्यूटोरियल ला दूंगा. ओके, खैर इसे करना क्या है, आप बस सिंपली इसे इतना बड़ा कर लो जितना आपको चाहिए, ठीक है. आप अपने मर्जी से जितना चाहो बड़ा कर सकते हो, बस ये KineMaster का लोगो नहीं आना चाहिए, ठीक है. मैं इसे एक एंड में रखता हूँ और इतना बड़ा रहन देता हूँ, ठीक है. बाद में हम इसे KineMaster का लोगो हटाएंगे. तो KineMaster में आपको इतना ही करना है, बस लोगो का जगह छोड़ के जितना जगह है किसी एक साइड में कहीं भी आप रख लो, बस लोगो नहीं आना चाहिए आपके मेन वीडियो पे, ठीक है. उसके बाद आप सिंपली कर दो सेव. आपको जो भी एडिटिंग करना है कर लो, उसके बाद कर दो सेव. सो गाइस हमने KineMaster का काम कर लिया एंड उसके बाद आपको एक और एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है वीडियो गुरु. ओके, वीडियो गुरु नाम का एप्लीकेशन आप जाओ उसे प्ले स्टोर से इजिली डाउनलोड करो. उसके बाद उसमें क्या करना है वो भी आप देखो. अभी हमें चाहिए वीडियो गुरु, ठीक है. वैसे ये जो आपको एप्लीकेशन देख रहा है वीडियो मेकर, आप जो देख रहे हो ना, इसका नाम वीडियो गुरु है. मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ आपको, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है. उसके बाद आप ये एप्लीकेशन ओपन करो. ओके, देख सकते हो आप मैंने मेरी सारी वीडियोस इधर से एडिट की है. ओके, तो आपको क्लिक करना है न्यू प्रोजेक्ट पे सिंपली और आप अभी वही प्रोजेक्ट अपना उठाओ. ठीक है, आप देख सकते हो हमारा KineMaster का लोगो आ रहा है, बैकग्राउंड में ब्लैक आ रहा है, हमारा मेन वीडियो ये रहा. अभी आपको करना क्या है, आप सिंपली बैकग्राउंड का जो ऑप्शन है इधर लेफ्ट साइड कॉर्नर में BG, उस पर आप क्लिक करो एंड आपको इसे कर देना है जूम, ठीक है. जूम करो आप एंड आपको जूम करके सेंटर कर देना है. आपका जो वीडियो है उसे सेंटर में ला देना है और वाटरमार्क को हटा देना है. आप सिंपली फिर कर दो टिक. सो गाइस आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा. देख सकते हो हमारा वाटरमार्क, KineMaster का वाटरमार्क नहीं आ रहा है. लाइक करना चैनल पे पहले एंड आप सिंपली कर दो सेव. इधर भी आप जो एडिट करना है एक्स्ट्रा कुछ एडिट कर सकते हो एंड बस कर दो सेव. एंड दिस इज हाउ वी रिमूव KineMaster's वाटरमार्क. आई नो इट इज़ नॉट द एफिशिएंट वे, एकदम एफिशिएंट नहीं है पर इफेक्टिव जरूर है, 100% काम करता है. मैंने जो मेरे पुराने वीडियोस में जिसमें मैंने ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल किया है उसमें ऐसे ही मैंने KineMaster के वाटरमार्क को हटाया है. सो गाइज आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा. अगर हाँ तो लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर करना. ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग एसेंस टेली मीडिया. बाय बाय.